छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस का मजबूत पकड़, बीजेपी भी मार रही हाथ पैर। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम चरण पर है। शनिवार को अभियान चुनाव प्रचार थमने के 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पक्ष में छुई खदान और खैरागढ़ शहर में भव्य रोड शो किया। वहीं पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने खैरागढ़ के अतरिया बाजार जनसभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि इस उपचुनाव में प्रमुख तौर पर कांग्रेस की तरफ से यशोदा नीलांबर वर्मा और भाजपा की तरफ से कोमल जंघेल चुनावी मैदान में हैं। भाजपा की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। खैरागढ़ चुनाव प्रचार थमने के एक दिन पहले उन्होंने भी धुआंधार प्रचार करके जनता से भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल के पक्ष में समर्थन मांगा। सीएम रमन सिंह ने खैरागढ़ के अतरिया बाजार, बुंदेली और छुई खदान में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन नारों के साथ छत्तीसगढ़ की सत्ता पर आई थी वह झूठे साबित हो चुके हैं। कांग्रेस ने कहा था कि वक्त है बदलाव का। वक्त तो कुछ नहीं बदला, लेकिन प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री के तौर पर एक मिस्टर एटीएम को पाया है, जो केवल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख के पूजन में साधनारत रहते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर मोर्चे पर छलने का काम किया है। पूर्व सीएम ने भाजपा उम्मीदवार कोमल जंघेल के समर्थन में अपील करते हुए कहा कि कोमल जंघेल हमेशा आप लोगों के दुख सुख के साथी हैं, इसलिए उनको एक बार फिर से सेवा का मौका देकर खैरागढ़ के विकास के लिए जुटना होगा।